नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। हम अक्सर समाचार में सुनते हैं कि इस व्यक्ति को जेड प्लस सुरक्षा मिली है और उस व्यक्ति को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है, लेकिन यह सुरक्षा कितने तरह की होती है और किन आधारों पर मिलती है, इसके साथ ही किस किस को यह सुरक्षा मिलती है, इस बारे में हमें जानकारी अक्सर नहीं मिल पाती। अच्छा दोस्तों, आज हम बताएंगे यह सुरक्षा कितने प्रकार की होती है और किन किन को यह सुरक्षा मिल सकती है और सुरक्षा मिलने का आधार क्या होता है। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, भारत में पुलिस और लोकल गवर्नमेंट द्वारा ये सिक्योरिटी दी जाती है। सुरक्षा की श्रेणी का आधार व्यक्ति को मिलने वाले खतरे से तय होता है, यानी मिलने वाले खतरे से डिसाइड होता है कि आपको जेड प्लस सुरक्षा मिलेगी, जेड मिलेगी, वाई श्रेणी की मिलेगी या एक्स श्रेणी की सिक्योरिटी मिलेगी। खतरे को भांपने के बाद सिक्योरिटी की श्रेणी तय की जाती है। देश में वीआईपी सुरक्षा को आमतौर पर चार भागों में बांटा गया है और ये भाग है जेड प्लस श्रेणी, जेड श्रेणी, वाई श्रेणी और एक्स श्रेणी की सिक्योरिटी। दोस्तों आइए हम एक एक करके सभी श्रेणियों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जेड प्लस श्रेणी के बारे में। जेड प्लस श्रेणी भारत में सर्वोच्च श्रेणी की सिक्योरिटी है। इस सिक्योरिटी में व्यक्ति को 10 से ज्यादा एनएसजी कमांडो और पुलिस कर्मियों सहित 55 कर्मियों की सुरक्षा प्रदान की जाती है। जेड प्लस सुरक्षा में प्रत्येक कमांडो मार्शल आर्ट और निहत्थे युद्ध का विशेषज्ञ होता है। देश में जेड प्लस सुरक्षा पाने वाले वीआईपी व्यक्तियों में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और कुछ अन्य नाम भी शामिल है। अब बात करते हैं जेड सिक्योरिटी के बारे में। दोस्तों जेड सिक्योरिटी की सुविधाएं जेड प्लस सिक्योरिटी से कुछ हद तक अलग है। जेड श्रेणी की सिक्योरिटी में 4 या 6 एनएसजी कमांडो और पुलिस कर्मियों सहित 22 कर्मियों का सुरक्षा कवच प्रदान किया जाता है। यह सुरक्षा दिल्ली पुलिस या आईटीबीपी या सीआरपीएफ के जवानों द्वारा प्रदान की जाती है। योग गुरु रामदेव बाबा और कई फिल्म अभिनेताओं को जेड सुरक्षा प्रदान की गई है। दोस्तों अब हम बात करते हैं वाई श्रेणी की सिक्योरिटी के बारे में। वाई श्रेणी की सिक्योरिटी में 1 या 2 कमांडो और पुलिस कर्मियों सहित 8 कर्मियों का सुरक्षा कवच प्रदान किया जाता है। इसमें सुरक्षा के रूप में 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर भी प्रदान किया जाता है। भारत में इस श्रेणी की सुरक्षा पाने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। दोस्तों अब हम बात करते हैं एक्स श्रेणी की सिक्योरिटी के बारे में। एक्स श्रेणी की सिक्योरिटी में 2 सशस्त्र पुलिस कर्मियों की सुरक्षा प्रदान की जाती है। यह सुरक्षा पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर द्वारा प्रदान की जाती है। भारत में काफी संख्या में लोगों को इस श्रेणी की सुरक्षा मिलती है। दोस्तों आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि इन वीआईपी को यह सिक्योरिटी कौन देता है, तो दोस्तों हम आपको बताते हैं। भारत में कई सारी एजेंसियां जैसे एसपीजी, एनएसजी, आईटीबीपी और सीआरपीएफ देश के वीआईपी पर्सनालिटी को सिक्योरिटी देने का काम करती है। जेड प्लस की सिक्योरिटी देश के नामी व्यक्ति जैसे खिलाड़ी, अभिनेता, नेता आदि को दी जाती है। एसपीजी के अंडर कई एनएसजी कमांडो देश के प्रधानमंत्री को सिक्योरिटी देते हैं। एनएसजी बड़ी संख्या में देश के नामी व्यक्तियों को सुरक्षा देने का कार्य करती है जिनकी जान को खतरा होता है। बीते कई सालों में जेड प्लस सिक्योरिटी प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या काफी बढ़ गई है। इसी कारण सीआईएसएफ ने एनएसजी के कार्य को थोड़ा कम करने का प्रयास किया है। इसका अर्थ यह है कि सीआईएसएफ पर सिक्योरिटी देने का दायित्व प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर किसी व्यक्ति को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है और वह व्यक्ति राज्य से बाहर जाता है तो उस व्यक्ति के साथ कुछ ही कमांडो वहां जाते हैं। बाकी सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी उस विशेष राज्य की होती है जहां पर वह जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए वीआईपी को राज्य के दौरे की पूर्व सूचना उस राज्य को देनी होती है। इस तरह के सुरक्षा इंतजाम कभी सामने नहीं रखे जाते हैं, यानी इसे लीक नहीं किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो से क्लियर हो गया है आपको क्या होती है जेड प्लस श्रेणी की सिक्योरिटी, क्या होती है जेड श्रेणी की सिक्योरिटी, क्या होती है वाई श्रेणी की सिक्योरिटी और क्या होती है एक श्रेणी की सिक्योरिटी। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।